Now the Mumbai police have arrested one more member of the Lawrence Bishnoi gang in connection with the firing outside Bollywood superstar Salman Khan's residence. The accused has been sent to the police custody till May 22nd, we are learning. The accused has been identified as Harpal Singh. He is a resident of Fatehabad in Haryana. He was held by the team of the Mumbai crime branch from his hometown on Monday evening. That is the latest coming in at the moment. Sunil Singh, my colleague, is also now joining us on the broadcast, getting us more on that. Sunil, what more details are we learning of? Are we learning at the moment another member of the Lawrence Bishnoi gang has been arrested? What more information about him is coming out at the moment? जी बिल्कुल, मुंबई क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम हरपाल सिंह बताया जा रहा है। 37 साल का ये शख्स हरियाणा का रहने वाला है और इस पर जो आरोप लगा है वो ये है कि इसके पहले जो गिरफ्तार है पांचवा आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी, उसको जो पैसे दिए गए थे शूटरों को लाकर देने के लिए, वो रकम जो है हरपाल सिंह ने उसे दी थी, ये जानकारी मिली है, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये। और साथ ही उसने ही कहा था कि जाके सलमान खान के घर की रेखी करना है। और इससे पूछताछ में एक और जानकारियां मिल रही है कि 3 से 4 लोग और हैं इसमें जिनकी पुलिस इस समय तलाश कर रही है। बहरहाल इसे हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, आज लाकर मकुका कोर्ट में पेश किया गया जहां पर अदालत ने 22 मई तक इसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इससे पूछताछ में साजिश की और जो बड़ी कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने की फिलहाल कोशिश करेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक अहम गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में जो कि सीधे लॉरेंस बिश्नोई से कहीं गैंग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इसके पहले जो मोहम्मद रफीक चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी उसे भी एक अहम गिरफ्तारी के तौर पर देखा गया था और उसी से पूछताछ में ये नाम उभर कर आया हरपाल सिंह। 3 और नाम आए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है और कोशिश कर रही है कि इन सबको पकड़कर साजिश की जितनी कड़ियां हैं उसको जोड़ा जा सके और जो जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई जो पूरे साजिश को कहीं रच रहा है उसके खिलाफ शिकंजा कसा जा सके।